नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे टेस्ट मैच में तीसरे दिन ही भारत की बुरी तरह शर्मनाक हार हो गई है। साउथ अफ्रीका ने भारत की पहली पारी के 246 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 408 रन बनाए। जवाब में भारत की दूसरी पारी में भी अच्छी शुरुआत नहीं रही। रोहित शर्मा एक बार फिर से 8 गेंद में 0 रन बनाकर रबाडा का शिकार हो गया। उस समय भारत का स्कोर महज 5 रन ही था। थोड़ी देर बाद जसवाल भी चलते बने, फिर सुरेश अय्यर पारी को कुछ हद तक संभाले, फिर वह भी आउट हो गए। हर बार की तरह किंग कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उनका साथ निभा नहीं पाई और टीम इंडिया 131 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी तरह आप सभी को पता ही होगा कि दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी और 32 रनों से टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर खिसक गई है। भारत के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बड़ी जीत दर्ज करते ही साउथ अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में ज़बरदस्त फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीका की टीम अब सभी टीमों को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज हो गई है। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स में 3 से 7 जनवरी के बीच खेला जाएगा। इस मैच में अगर भारत को जीत मिलती है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम मनोरंजन क्रिकेट स्पोर्ट्स है। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।